बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर फाइन। माय नेम इज़ अदील महबूब। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे था, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन भी की और उसमें हमने ये भी देखा कि हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बाई यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड बाई यूजिंग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। वो भी हमने एग्जाम्पल्स की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है वो हम देखेंगे बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने बाइनरी एडिशन पढ़ा कि वो सिंपल क्वेश्चन था, उससे भी आसान बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जो हैं वो देख लेते हैं क्या हैं। जब हम वन को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के साथ तो ये आता है जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं वन के साथ तो ये आता है जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन। यानी इसमें सेम वही रूल्स हैं जो मैथमेटिक्स में, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। बाइनरी एडिशन में तो था ना कि अगर हम वन में वन प्लस करें तो वन जीरो आता है, जो कि सिंपल मैथमेटिकल रूल से डिफरेंट था। ये सेम मैथमेटिकल रूल है और मल्टीप्लाई भी मैथमेटिकल रूल के मुताबिक करना है और सम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसमें। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, वन डबल जीरो वन और वन वन जीरो वन, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जिस तरह से मैथमेटिक्स में करते हैं, पहले इस नंबर को राइट साइड से पहले इस नंबर को लेंगे और सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फिर जीरो को सबके साथ करेंगे, फिर इस वन को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वन को सबके साथ वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे। तो वन जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो वन आ गया, वन जब जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो, फिर वन को जीरो से किया तो जीरो, फिर वन वन को वन से वन को किया तो वन आ गया। फिर यहाँ पे आपने क्रॉस लगा देना है, आप क्रॉस लगा दें या जीरो लिख दें वो भी सही है, जीरो लिख दें तब भी ठीक है, क्रॉस लगा दें तब भी ठीक है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे जगह खाली छोड़ते हैं, उसी तरह से इसमें भी करना है। फिर जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया तो जीरो, फिर जीरो को जीरो से किया तो जीरो, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, फिर जीरो को वन से किया तो वन आ गया। फिर यहाँ पे दो क्रॉस आपने लगा लेने और फिर इस वन को हमने सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना, तो वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो एंड वन इंटू वन वन। फिर आपने यहाँ पे थ्री क्रॉस लगा लेने हैं, फिर इस तरह से वन को इनसे मल्टीप्लाई करना तो बनेगा वन जीरो जीरो वन। अब जब ये आ गया हमारे पास तो हमने इनको प्लस कर लेना, तो वन के नीचे कुछ भी नहीं है, वन एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी जीरो है, जीरो में जीरो प्लस करें तो हमारे पास जीरो आ जाता है, ये भी जीरो है, वन एज इट इज़ आ गया। अब ये दो वन है, ये जीरो तो वैसे ही इसका किसी के साथ प्लस हो तो वो जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस करने से, तो अब दो वन है। तो हमने मैथमेटिकल जो बाइनरी एडिशन है सॉरी उसमें पढ़ा हुआ है कि वन प्लस वन जो है वो वन जीरो के इक्वल होता है, तो वन प्लस वन जीरो नीचे आ गया और वन कैरी ऊपर चला गया। अब यहाँ पे बाकी दो जीरो हैं, फिर वन प्लस वन और फिर जीरो नीचे और वन कैरी ऊपर चला गया, और फिर आगे दो वन है, फिर जीरो नीचे और वन कैरी ऊपर चला गया, फिर दो वन है तो फिर वन जीरो। तो ये हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे वन 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 जीरो, जीरो जीरो वन वन, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना, तो वन को जीरो से किया तो जीरो, वन को वन से किया तो वन, फिर वन फिर वन, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाया, फिर जीरो वन वन वन, फिर दो क्रॉस लगाने के बाद जब जीरो को सबसे मल्टीप्लाई किया तो चार जीरो आ गए, क्योंकि जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे थ्री क्रॉस लगाने के बाद हमने फिर जीरो को मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो 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 आ गया, और फिर जीरो एज इट इज़ नीचे, वन एज इट इज़ इधर वन आ गया, और फिर वन प्लस वन जीरो, वन ऊपर चला गया। अब ये तीन वन हो गए हमारे पास, एक तो कैरी वाला वन, बाकी दो वन यहाँ मौजूद हैं। तो थ्री वन जो वन प्लस वन करें तो वो डबल वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ गया वन नीचे और वन कैरी ऊपर चला गया, फिर दो वन हैं जीरो नीचे, क्योंकि वन प्लस वन वन जीरो होता है, और फिर वन कैरी ऊपर चला गया, बाकी जीरो ही हैं, तो वन एज इट इज़ और ये जीरो ऐसे नीचे आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग बाइनरी दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरह से मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है मल्टीप्लिकेशन का, उसी तरह से ये है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बाइनरी डिवीजन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।